हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एवी क्लासेस। आज फ्रेंड्स जो मैं टॉपिक लेकर आया हूँ वह सब्जेक्ट है ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग। तो ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के अंदर आज फ्रेंड्स जो मैं टॉपिक समझाने वाला हूँ उस टॉपिक का नाम है कार्बोरेटर। तो फ्रेंड्स अगर आप कार्बोरेटर को समझना चाहते हैं तो वीडियो पूरा देखें जिससे आप इसको अच्छे से समझ सकें। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ आज का वीडियो। तो फ्रेंड्स जैसा कि ये वर्ड लिखा है, टॉपिक लिखा है कार्बोरेटर, इसके बारे में सभी जानते हैं कि कार्बोरेटर का यूज करते हैं हम फ्रेंड्स पेट्रोल से चलने वाली गाड़ियों के अंदर। लेकिन क्वेश्चन उठता है कि कार्बोरेटर का यूज वहां पर क्या होता है और एक किस तरह काम करता है। तो कार्बोरेटर का यूज फ्रेंड्स हम करते हैं जो हमारा एयर और फ्यूल का मिक्सर रहता है, या बोल सकते हैं जो हमारी एयर और पेट्रोल का मिक्सर रहता है उसको प्रॉपर तरीके से मिक्स करने के लिए हम कार्बोरेटर का यूज करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इतना तो सभी जानते हैं। लेकिन यहां पर हम जो आज का टॉपिक पढ़ा रहे हैं फ्रेंड्स थ्योरी एग्जाम के पर्पस, तो हमें यहाँ पर डेफिनेशन भी लिखना पड़ती है और डायग्राम को एक्सप्लेन भी करना पड़ता है और बनाना भी पड़ता है। तो उसी सिस्टम को हम जो कार्बोरेटर का पूरा सिस्टम है कि किस तरह एयर और फ्यूल का मिक्सर प्रॉपर होता है उसको आज की वीडियो में हम समझने वाले हैं एक डायग्राम के थ्रू। तो फ्रेंड्स वीडियो ध्यान से देखें और पूरा समझें। यहाँ पर डेफिनेशन लिखी हुई फ्रेंड्स छोटी सी, उसको आप लिख सकती, और भी बड़ा इसके यूज के हिसाब से आप लिख सकते हैं, लेकिन हमने सिंपल तरीके से इसको कैसे डिफाइन किया जाए यहाँ पर डेफिनेशन लिख दी है इंग्लिश में और हिंदी में, वह आप पढ़ सकते। अभी जो मेन डायग्राम है इसको मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं, उसको समझना जरूरी है। तो ये डायग्राम है फ्रेंड्स, इसको हिंदी में सारे वर्ड लिखे हुए हैं लेकिन सारे इंग्लिश को ही हिंदी की है मैंने जिससे आप इसको समझ सकें। यहाँ पर जो हमारा एनिमेशन डायग्राम रहता है कि जो बाइक के अंदर हमारा इस तरह का हम जो पूरा कार्बोरेटर को यूज करते हैं यहाँ पर डायग्राम बना हुआ फ्रेंड्स, लेकिन हम इस डायग्राम से मतलब रखेंगे क्योंकि एग्जाम में हमें इसी को बनाना है। अब मैं स्टार्ट करता हूँ इसको समझाना, इसको जूम करके। तो फ्रेंड्स हमें इस डायग्राम को देखना है, इसके सभी पार्ट्सों को पहले मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ फिर पूरी वर्किंग बताता हूँ। ये एयर पूरा ये डायग्राम देख रहा है ऊपर का बड़ा सा, इस पूरे डायग्राम को बोलते हैं एयर हॉर्न। क्या बोलते हैं? एयर हॉर्न। अब इसको किस तरह बनाया जाता है, अंदर से यहाँ पर क्या रहता है, यहाँ पर दिख रहा है क्या लिखा, वेंचुरी ट्यूब दिख रहा है। इस पोर्सन को क्या बोलते हैं? वेंचुरी ट्यूब। वेंचुरी ट्यूब बनाई जाती है फ्रेंड्स कि इसका एरिया यहाँ पर क्या कम कर दिया जाता है, जितना कम से कम करेंगे उतनी ही स्पीड से यहाँ पर एयर सप्लाई होगी। क्या होगी? एयर की स्पीड उतनी ही अधिक होगी क्योंकि जितना एरिया कम होगा उतनी ही यहाँ पर एयर की सप्लाई अधिक होगी और स्पीड से होगी क्योंकि उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो जाती है। क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है इसका एरिया कम करने से। तो यहाँ पर क्या यूज कर रहा है फ्रेंड्स हम? वेंचुरी ट्यूब। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसके बाद यहाँ पर लिखा है डिस्चार्ज जेट। ये डिस्चार्ज जेट दिख रहा है, इसका कनेक्शन होता है फ्रेंड्स जो हमारा फ्लोट चैम्बर है जिसके अंदर से जो हमारा फ्यूल आता है पेट्रोल आता है वहां से कनेक्शन रहता है। तो इसके थ्रू क्या आता है फ्रेंड्स, हमारा जो पेट्रोल है वह इसके थ्रू आता कहां पर? जो हमारा वेंचुरी ट्यूब है उसके नीचे, जहां से एयर और जो हमारा पेट्रोल है उसका मिक्सअप होता है यहाँ पर। तो इसे बोलते हैं डिस्चार्ज जेट, जेट जिसके थ्रू हमारा पेट्रोल यहाँ पर आता है। ये होता है मिक्सिंग चैम्बर। क्या बोलते हैं? मिक्सिंग चैम्बर। ये मिक्सिंग चैम्बर है मतलब यहाँ से एयर आएगी और यहाँ से पेट्रोल आएगा, तो यहाँ पर प्रॉपर तरीके से मिक्स हो जाता है। मिक्स होने के बाद क्या होता है फ्रेंड्स, यहाँ पर लगा थ्रॉटल बॉल्ब। क्या लगा? थ्रॉटल बॉल्ब। तो थ्रॉटल बॉल्ब से जैसे ही इंजन को जरूरत पड़ती है जो एयर और फ्यूल के मिक्स जिसे बोलते हैं पूरा फ्यूल, इसको सप्लाई करने की हमें जैसे ही इंजन को जरूरत पड़ती है तो हमारा थ्रॉटल बॉल्ब ऑटोमेटिक तरीके से ओपन हो जाता है, और जैसे ही हमारी इंजन की स्पीड कम होती है तो हमारा जो थ्रॉटल बॉल्ब बंद होने लगता है। मतलब इंजन की स्पीड के अकॉर्डिंग थ्रॉटल बॉल्ब होता है, खुलता है और बंद होता है, और हमारे जो एयर और फ्यूल का मिक्सर है वह इंजन के अंदर सप्लाई होता है। मतलब इंजन की स्पीड बढ़ती है तो थ्रोटल वाल्व क्या होता है धीमे धीमे इसका मुंह क्या होता है खुलने लगता है, इससे एयर और फ्यूल की मिक्सर की सप्लाई बढ़ जाती है जिससे उसको फ्यूल मिलने लगता है इंजन को, और जैसे ही इंजन की स्पीड कम होती है तो ये थ्रोटल वाल्व बंद होने लगता है फ्रेंड्स, और हमारे फ्यूल और जो हमारे एयर है मिक्सर की सप्लाई कम होने लगती है, उससे क्या होता है इंजन की स्पीड कंट्रोल रहती है। अब आगे की बात करते हैं, ये होता है फ्लॉट। फ्लॉट क्या होता है फ्रेंड्स? ये फ्लॉट दिख रहा है, ये क्या होता है? ये इसकी जो हमारा इसके अंदर फ्यूल भरा हुआ पेट्रोल, इसकी जो इसके अंदर कम और ज्यादा क्वांटिटी रहती है उसके अकॉर्डिंग ये क्या होता है? ये काम करता है। ये काम कैसे करता है? यहाँ पर क्या होता है फ्रेंड्स, इनलेट लगा रहता है जिसके थ्रू क्या है जो भी बाहर से हमारा फ्यूल आ रहा है वो टैंक के अंदर, ठीक है। यहाँ पर नीडल बॉल रहता है और जो सीट लगी रहती है, ठीक है। ये लीवर प्लेट लगा रहता है, यहाँ पर लीवर लगा रहता है। क्या होता है फ्रेंड्स, यहाँ पर पेट्रोल की सप्लाई जब ऊपर इसके अंदर जाती है तो इसके अंदर पेट्रोल की सप्लाई जाने से क्या होता है? ये डिक्रीज होने लगती है। क्या होता है? ये जो लेवल दिख रहा है ये थोड़ा धीमे धीमे कम होने लगता है, मतलब पेट्रोल इसके अंदर कम होने लगता है। उसके कारण क्या होता है फ्रेंड्स, ये फ्लॉट है इसकी ये कहां इस पोजीशन पे, फिर क्या धीमे धीमे नीचे आने लगेगा क्योंकि ये इसके ऊपर पेट्रोल के ऊपर रखा हुआ है। जब नीचे आएगा फ्रेंड्स तो यहां से क्या होगा, ये लीवर प्लेट लगी और लीवर लगा उसके थ्रू क्या होगा, ये बॉल्ब
ओपन होने लगता है। क्या होता है, वॉल्व ओपन हो जाता है। जैसे ही वॉल्व ओपन हो जाता है फ्रेंड्स, तो यहां से क्या होता है, पेट्रोल की सप्लाई बढ़ जाती है। क्या होता है, नीचे को आएगा, जब पेट्रोल की क्वांटिटी यहाँ कम हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, तो ये नीचे को आता है। उससे क्या होता है, यहाँ का वॉल्व ओपन हो जाता है इस लीवर के थ्रू। उससे हमारे पेट्रोल की सप्लाई अंदर और बढ़ जाती है। जैसे ही इसके अंदर पेट्रोल की सप्लाई बढ़ जाती है, और इसका लेवल इंक्रीज हो जाता है, किसका, जो फ्लोट चैम्बर है उसके अंदर पेट्रोल का लेवल इंक्रीज हो जाता है, तो ये ऊपर को उठ जाता है, ये ऊपर को उठ जाता है फ्रेंड्स। तो ये जो थ्रोटल वॉल्व है, जिसके थ्रू जो हमारे पेट्रोल अंदर आ रहा हुआ है, धीमे धीमे बंद होने लगता है और उसकी पेट्रोल की सप्लाई रुकने लगती है। उससे क्या होता है फ्रेंड्स, ये जो इसके अंदर जो ओवरफ्लो हो, ओवरफ्लो उससे रोकने के लिए हम इस प्लॉट का यूज करते हैं। हमारा ओवरफ्लो रुक जाता है और डीजल का कोई भी नुकसान नहीं होता है। तो हमारा उतनी क्वांटिटी में जितनी जरूरत है, उतना ही डीजल पेट्रोल रहता है, वह इसके अंदर आता रहता है, जो फ्यूल रहता है। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आया प्लॉट का यूज क्या करते हैं। इसके अंदर जो प्लॉट चैम्बर है, उसके अंदर ओवरफ्लो ना हो पेट्रोल का, उसके अंदर क्या होता है, जैसे ही पेट्रोल की क्वांटिटी कम होती है, तो ये नीचे को आता है, नीचे को आता है, तो क्या होता है, यहाँ थ्रोटल वॉल्व ओपन हो जाता है और पेट्रोल की सप्लाई बढ़ जाती है। जैसे ही पेट्रोल की सप्लाई बढ़ती है, तो ये टैंकर भरने लगता है, टैंकर भरने लगता है, जी ऊपर को जाता है, तो पेट्रोल की सप्लाई यहाँ पर धीमे धीमे कम होने लगती है। पूरा सिस्टम बनाया जाता है लीवर प्लेट लीवर के थ्रू। तो फ्रेंड्स, इस तरह हम प्लॉट का यूज करते हैं। तो ये सारे पार्ट थे, इनका समझ में आया हो। अब वर्किंग कैसे होती है फ्रेंड्स, वर्किंग को ध्यान रखें। यहाँ से क्या आ रही, बाहर से एयर आ रही, क्या आ रही, एयर आ रही। एयर कहाँ आ रही, यहाँ पर आ रही। ये क्या है, वेंचुरी ट्यूब है। जैसे मैंने बताया, इसका एरिया कम रखा जाता है, जिससे जो एयर की वेलोसिटी इंक्रीज हो सके। तो यहां से एयर की वेलोसिटी इंक्रीज हो रही, और यहां पर क्या आ रहा है, इस फ्लोट चेंबर के द्वारा मीटरिंग जेट में, यहां से इसके थ्रू क्या हो रहा है, इसे डिस्चार्ज जेट बोलते हैं। इसके थ्रू यहां पर क्या आ रहा है, पेट्रोल आ रहा है, क्या आ रहा है, पेट्रोल आ रहा है। पेट्रोल यहां से आया, एयर की स्पीड से ये पेट्रोल लेके आगे बढ़ती है, पेट्रोल लेके आगे बढ़ी। तो यहां पर इस चेंबर में क्या, एयर और पेट्रोल का मिक्सर मिक्सर होता रहता है, मिक्स होता रहता है फ्रेंड, यहाँ पर मिक्स होता रहता है। उसके थ्रू क्या होता है, यहाँ पर थ्रोटल वाल्व लगा, जो क्या करता है, इसको रोक के रखता है। जैसे ही सप्लाई की हमें जरूरत पड़ती है, उतनी ही सप्लाई करता है। इंजन की स्पीड अगर कम है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर सप्लाई इसको थ्रोटल वाल्व के थ्रू क्या होती है, कम हो जाती है। और जैसे ही इंजन की स्पीड बढ़ती है, तो यहाँ पर थ्रोटल वाल्व क्या होता है, ओपन होने लगता है, मतलब ज्यादा इसका दौर खोल देता है। उससे हमारी एयर और फ्यूल की सप्लाई बढ़ जाती है, और प्रॉपर तरीके से इंजन को एयर और फ्यूल का मिक्सर मिलता रहता है। तो फ्रेंड्स, इस तरह ये वर्किंग चलती रहती है। यहाँ पर आपको समझ में आया होगा कि प्लॉट का यूज भी मैंने अच्छी तरह समझा दिया। तो फ्रेंड्स, ये पूरा डायग्राम आपको समझ में आया होगा। एग्जाम में आप आराम से वर्किंग लिख सकते हैं इसकी, और सारे पार्ट्सों को समझा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।